पार्श्व एकादशी की कथा राजा बलि की है, जो बड़ी रोचक और भावनाओं से भरी हुई है। एक समय की बात है जब राजा बलि अपनी ताकत और भक्ति से त्रिलोकी नाथ बन गए थे। आप सोचिए, एक राजा जो इतना पराक्रमी था कि तीनों लोकों पर उसका राज्य था, कितनी गर्व की बात होगी, है ना? परंतु उसके बढ़ते साम्राज्य और शक्ति से स्वर्गलोक के देवता चिंतित हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, राजा बलि के कारण हम सभी संकट में हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और सोचा, अब समय आ गया है कि राजा बलि का अभिमान तोड़ा जाए। इसके बाद उन्होंने वामन अवतार धारण किया, जो एक छोटे से ब्राह्मण का रूप था। वामन रूप में भगवान विष्णु राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। क्या आपने सोचा होगा कि एक छोटे से बालक के रूप में भगवान आएंगे? राजा बलि ने बड़े आदर से वामन भगवान से पूछा, हे बालक, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। सोचिए, बलि जैसे शक्तिशाली राजा ने इसे मामूली सी बात समझा और कहा, केवल 3 पग भूमि? तुम्हें जो चाहिए ले लो, ये तो बहुत छोटी सी मांग है। राजा ने तुरंत वचन दिया, मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा। पर जैसे ही राजा ने अपना वचन दिया, वामन भगवान ने विशाल रूप धारण कर लिया। कितना चमत्कारिक दृश्य होगा वो! वामन भगवान ने अपना पहला पग धरती पर रखा, जिससे पूरी पृथ्वी ढक गई। दूसरा पग स्वर्ग पर रखा, जिससे पूरा स्वर्ग भी भर गया। अब वामन भगवान ने बलि से पूछा, राजा अब तीसरा पग कहाँ रखो? अब आप महसूस कीजिए राजा बलि के मन की स्थिति। राजा बलि ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, अपना तीसरे पद के लिए राजा बलि ने दृढ़ निश्चय से अपना सिर भगवान के सामने झुका दिया। कितनी महानता है एक राजा की, जिसने सब कुछ खोकर भी समर्पण में कोई कमी नहीं की। भगवान वामन ने राजा बलि के सिर पर अपना पग रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। बलि ने सब कुछ खोकर भी भगवान की कृपा प्राप्त की। भगवान विष्णु ने राजा बलि को उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वह पाताल लोक का राजा रहेगा और उसकी पूजा होगी। राजा बलि की भक्ति और सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। तभी से यह माना जाता है कि पार्श्व एकादशी पर व्रत रखने और भगवान वामन की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से अहंकार दूर होता है और उसे धन समृद्धि प्राप्त होती है। यही पार्श्व एकादशी का व्रत है, जो हमें धैर्य, समर्पण और सच्ची भक्ति की सीख देता है। इस प्रकार पार्श्व एकादशी का व्रत सभी के लिए कल्याणकारी है। इस व्रत से यही संदेश मिलता है कि भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति हमें जीवन के हर संकट से उबार सकती है।